हेलो स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट सिक्स ऑफ लेसन टू एडिशन. टुडे वी सॉल्व सम एडिशन स्टोरी प्रॉब्लम्स एंड टुडे वी विल अगेन सॉल्व सम मोर एडिशन स्टोरी प्रॉब्लम्स. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. टुडे वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू. ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. Okay, today we are going to solve question number third. Okay, Rahul has 51 pencils and his brother Sagar has 26 pencils. Okay, how many pencils do they have all together? Rahul ke paas kitni pencils hain? 51 pencils. Okay, और उसके भाई सागर के पास कितनी पेंसिल्स हैं? 26 पेंसिल्स. तो यहाँ पूछा है कि हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर. तो उन लोग के पास कुल कितनी पेंसिल्स हुए मिला के उन लोग के पास कुल कितनी पेंसिल्स हुए. तो हम इसमें क्या करेंगे, एडिशन करना है ना. तो हम क्या करेंगे, राहुल की पेंसिल को उसके ब्रदर सागर के पेंसिल से हम ऐड कर देंगे. ओके, फिफ्टी वन. ठीक है, 51 किसकी पेंसिल है, ये राहुल की पेंसिल्स हैं. ओके, एंड 26 ऐड, और 26 पेंसिल्स किसकी हैं, उसके भाई राहुल के भाई के सागर की पेंसिल्स है 26. ओके, तो 51 प्लस 26 पेंसिल्स एंड नाउ ऐड इट. ओके, 1 + 6 = 7. 1 + 6 = 7. 5 + 2 = 7. 5 + 2 = 7. क्लियर. सो हमको यहाँ पे क्या आंसर मिला, 77. ओके, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, तो टोटल कितने पेंसिल हुए उन दोनों को मिला के, 77 पेंसिल्स. ओके, 77 पेंसिल्स हुए. ओके, उन दोनों के पेंसिल को मिला के 77 पेंसिल्स हुए. क्लियर. कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर. क्लियर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. पिंकी गेट्स 43 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट एंड शी गेट्स 50 मार्क्स इन द सेकेंड टेस्ट. हाउ मैनी मार्क्स डज शी गेट इन ऑल. पिंकी के पास कितने मार्क्स हैं, पिंकू कितने मार्क्स मिले थे, सॉरी पिंकू कितने मार्क्स मिले थे, 43 मार्क्स मिले उसे. ठीक है, पिंकी को कितने मार्क्स मिले, 43 मार्क्स मिले. किस टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट में. ओके, उसके बाद सी गेट्स 50 मार्क्स इन द सेकेंड टेस्ट, और सेकेंड टेस्ट में उसे कितने मार्क्स मिले, 50 मार्क्स मिले. ओके, एंड नाउ हाउ मैनी मार्क्स डज शी गेट इन ऑल. तो उसे तो कितने मार्क्स मिले यहाँ पे, इसका बोल रहा है यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट और सेकेंड टेस्ट को मिला के कितने मार्क्स मिले. ठीक है, तो हम उसके फर्स्ट टेस्ट और सेकेंड टेस्ट के मार्क्स को हम यहाँ पे ऐड करेंगे. ओके, क्लियर, सी हियर. ये 50 मार्क्स जो है ना, इसके फर्स्ट टेस्ट सॉरी सेकेंड टेस्ट के हैं. ओके, शी गेट्स 50 मार्क्स सेकेंड टेस्ट, इसके सेकेंड टेस्ट के हैं, 50 मार्क्स के सेकेंड टेस्ट के हैं, और 43 मार्क्स इसके फर्स्ट टेस्ट के हैं. ठीक है, 43 मार्क्स फर्स्ट टेस्ट के हैं. ओके, एडिशन में आप चाहे बड़े नंबर को ऊपर रख सकते हैं, छोटे नंबर को नीचे. ओके, या फिर
आप छोटे नंबर के ऊपर रखो चाहे बड़े नंबर को नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एडिशन में तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम हमेशा क्या करते हैं, बड़ा नंबर ऊपर होता है और छोटा नंबर नीचे होता है तब सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन एडिशन में कुछ भी चलेगा, छोटा नंबर ऊपर हो चाहे बड़ा नंबर नीचे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप सब्ट्रैक्शन में याद रखना कि बड़ा नंबर हमेशा ऊपर रहेगा, ओके, और छोटा नंबर नीचे रहेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में ज़रूरी नहीं है। एडिशन में ये ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, और ये 50 नीचे, बड़ा नंबर नीचे भी हो सकता है तो भी ऐड हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ ऐड इट। सो 0 + 3 = 3, ओके। 5 + 4 = 9, ओके। सो टोटल इसके मार्क्स कितने आए फर्स्ट पेपर के, फर्स्ट टेस्ट के और सेकंड टेस्ट के कुल कितने मार्क्स हुए? 93 मार्क्स, ओके, 93 मार्क्स। सो टोटल इसके कितने मार्क्स हुए यहाँ पे? 93 मार्क्स। क्लियर? नाउ कम टू द होमवर्क, ओके, इट्स योर होमवर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर टू, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं आज के लिए। क्लियर? आप इसे सॉल्व करेंगे इन रफ कॉपी, ओके। सॉल्व इन रफ कॉपी। क्लियर? सॉल्व इन रफ कॉपी। सो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व इन योर रफ कॉपी। क्लियर? ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव 24 ऑरेंजेस, आई बाय 13 ऑरेंजेस मोर, हाउ मैनी डू आई हैव नाउ? क्लियर? मेरे पास, यहाँ पे क्या बोला है, मेरे पास जो है 24 ऑरेंजेस हैं, ओके। आई बाई 13 ऑरेंजेस मोर, ठीक है, और मैंने क्या है 13 और एक्स्ट्रा ऑरेंजेस, मैंने 13 और मैंने ऑरेंजेस खरीद लिए, ठीक है। सो हाउ मैनी डू आई हैव नाउ, तो अब मेरे पास कितने हुए, ठीक है, ये बताना है यहाँ पे। सो इसमें भी ऐड ही होगा। क्लियर? And second question, in a class there are 42 girls and 45 boys, okay, एक क्लास में कितने गर्ल्स हैं? 42 गर्ल्स हैं और 45 बॉयज़ हैं उस क्लास में, okay, so how many students are there in the class, okay, तो उस क्लास में फिर कितने स्टूडेंट्स होंगे, ओके, यहाँ पे पूछा है, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, तो कितने होंगे स्टूडेंट्स बताना है। तो इसमें आप क्या करोगे, 42 गर्ल्स और 45 बॉयज़ को क्या करेंगे, ऐड करके निकाल लेंगे आंसर, सॉल्व करके 42 45 बॉयज़ को आप ऐड करेंगे फिर उसके बाद आंसर निकलेगा। इसमें भी वही करना है, ऐड करना, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? ओके।